गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में देशभक्ति की रही धूम। मझियाव नगर पंचायत एवं प्रखंड क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के द्वारा देशभक्ति पर कई कार्यक्रम आयोजन किए गए। इधर शिवेश्वर चंद्रवंशी कॉलेज में कार्यक्रम से पूर्व डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी उर्फ मुन्ना चंद्रवंशी के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद छात्रों के द्वारा देशभक्ति गीत एवं अन्य गीतों पर डांस कर एवं नाटक मंचन भी किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को याद ताजा करते हुए छात्राओं ने बड़े ही उत्साह पूर्वक राम आएंगे के गीत पर डांस प्रस्तुत किया। इसी तरह कई छात्र छात्राओं के द्वारा भी अन्य कई तरह की भक्ति गीतों पर डांस प्रस्तुत किया गया। वहीं आर पब्लिक स्कूल में निर्देशक अलखनाथ पांडे एवं मुख्य अतिथि अंचल अधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता के द्वारा महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर छात्र छात्राओं के भक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने भी देशभक्ति गीतों पर बड़े ही उत्साह पूर्वक डांस कर उपस्थित लोगों का मन मोहने का काम किया। कई तरह के भक्ति गीतों पर छात्र एवं छात्राओं के द्वारा डांस किया और नाटक मंचन भी किया। यह सभी कार्यक्रम आरके पब्लिक के प्राचार्य राजेश कुमार पांडे की देखरेख में किया गया। वहीं उपस्थित मुख्य अतिथि रामजी प्रसाद गुप्ता, निर्देशक अलखनाथ पांडे, समाजसेवी चिंटू दुबे के द्वारा छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के बीच संबोधन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल एवं इस तरह से भक्ति कार्यक्रम में भाग लेना बहुत ही जरूरी है, इससे बच्चों में निखार आता है। मंच का संचालन गीतांजलि देव के द्वारा किया गया। इधर मौके प्राचार्य मिथिलेश प्रसाद सिंह, संजीत कुमार, अश्वनी सिंह सहित बच्चों के माता पिता के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। ये गणतंत्र बड़ा ही कठिन तपस्या संघर्ष संग्राम का ही परिणाम है। आजादी मिल गई थी, आजादी के बाद दिशा दशा का कोई अता पता नहीं था। जैसे लगता था कि आज़ादी तो दे दी गई है, इसे संचालित कैसे किया जाएगा, इस देश को किस दिशा की ओर ले जाया जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी इस समय के महान पुरोधा थे, सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग संवैधानिक दायरे के अंतर्गत इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपने अथक प्रयास सूझबूझ से हमें एक संविधान दिया और सन 1950 में उसे उदित होने जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरह से गति रही तो पूरे विश्व के हम सर्वोच्च देश के रूप में विराजमान होंगे। ये हमारे जितने भी देश के नेतृत्व करता है उनके प्रयास में साफ साफ लगता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे अभिभावक सर, मेरे नौनिहाल बच्चों, मैं उनसे खासकर यहाँ के जो छात्र छात्राएं नौनिहाल जितने हैं यहाँ पे, मैं उनसे आशा कामना अपेक्षा करता हूँ कि हमारे संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत आप भी कुछ इस तरह का कार्य कर जाए कि मझियाव का नाम देश के मानस पटल पे सदा अमर हो जाए। मैं एक अंचल अधिकारी के रूप में अभी तक मैंने अपने तरफ से एक अच्छा प्रशासन देने का प्रयास किया है और इस तरह का अवसर मुझे जहाँ भी दिया जाता है तो मैं खासकर उन बच्चों से बड़ा ही मार्मिकता के साथ उनका जो प्यार, उनका जो सूझबूझ, उनका प्रयास देखकर मैं भी भाव विभोर हो जाता हूँ। एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे अलग सर ने एक विद्या के क्षेत्र में अलग जगाने का कार्य किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारा मझियाव, जब मैं यहाँ के बैठक में जाता हूँ जिला का, तो वहाँ पर मझियाव को बड़ा ही दूसरे अंदाज में लिया जाता है। मैं डीसी सर से भी इस संबंध में बहुत कुछ बातें होती है और सर को मैं बताता हूँ, सर जैसा आप सोचते हो वैसा मझियाव है नहीं,
मंझियान जो है सर बहुत ही अच्छा जगह है सर, वहाँ पे केवल उसे दिशा दिखाने के लिए है सर। और इसमें हमारे अभिभावक को उपायुक्त महोदय उनके भी प्रयास से जो भी हम लोग उनसे मैंने जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं उसे सह स्वीकार करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जितना उस क्षेत्र को विकास करना चाहते हो जितना अच्छा प्लानिंग लाओ मैं उसे स्वीकृति देने का प्रयास करूँगा। मैं इस अवसर पे इस खुशी के बेला में मैं सभी से यही आशा अपेक्षा करूँगा कि आप लोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप गतिमान रहें और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। मैं खासकर उन अभिभावकों से भी अपील करना चाहूँगा इस मंच से कि आप अपने बच्चों को एक ऐसा कुंदन की तरह निखारें कि आगे चलकर वो देश के मानस पटल पे अपना अमीर छाप छोड़ कर। खुशबू इंटीरियर एवं मार्बल शीट शॉप, अब कम खर्च में पाइए सुंदर व आकर्षक पीवीसी मार्बल शीट और दीजिए अपने दुकान, घर और ऑफिस को वीआईपी लुक। विशेष जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें खुशबू इंटीरियर एवं मार्बल शीट शॉप, रामा साहू हाई स्कूल के पास गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।